बच्चों लोग जेई मेन का लास्ट काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है और ऐसे में प्रेशर बिल्ड होना ऑब्वियस ही बात है। और इस प्रेशर वाले सिचुएशन में अगर आप कंफ्यूज हैं कि आपको किस तरीके से रिवीजन करना है या फिर किस टॉपिक को ज़्यादा वेटेज देना है, तो बहुत सिंपल सा इसका फंडा है कि आपको जेई मेन के जनवरी सेशन के पेपर को देखिए, वहाँ पर किस टॉपिक या किस चैप्टर से क्वेश्चन का नंबर ज़्यादा आया हुआ है उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो अगर उस एनालिसिस को हम देखते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनवरी के सेशन में आपके जीओसी से हाईएस्ट क्वेश्चन पूछा गया था। देन हम देखते हैं अगला वेटेज जो था जनवरी के सेशन में हाइड्रोकार्बन पे फोकस था। देन देखोगे तो अगला फोकस था जो जेई का जनवरी सेशन में, वो फोकस था बायोमोलिक्यूल एंड हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरिन्स, देन अल्कोहल, उसके बाद देखोगे तो एल्डिहाइड कीटोन्स, और उसके बाद आपको फोकस करना है अमीन्स पे, एंड लास्ट में फोकस करना है कार्बोक्सिलिक एसिड वाले टॉपिक पे। तो ये था आपका ऑर्गेनिक का वेटेज का एनालिसिस। अगर हम लोग देखते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले पार्ट पे, तो जो हाईएस्ट वेटेज दिया गया था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में था आपका डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक। देन था केमिकल बॉन्डिंग, उसके बाद था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और उसके बाद था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। देन रेडॉक्स रिएक्शन, इसका कुछ पार्ट को आप फिजिकल भी बोल सकते हो, कुछ पार्ट को आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोल सकते हो, ठीक है। फिर प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, ये कुछ पार्ट आपका नया एडेड है सिलेबस में, इसको भी आप लोग देख लेना। देन पी ब्लॉक से कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, बट पी ब्लॉक हमारे सिलेबस के बाहर का चीज है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि पी ब्लॉक को अभी के लिए आप छोड़ना। अगर ये टॉपिक हो जाए और अगर पास टाइम हो तो पी ब्लॉक को देखेंगे, नहीं तो नहीं देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों मूव करते हैं हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री पे। तो फिजिकल केमिस्ट्री आप देखोगे तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम से। देन आपका सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन के बाद काइनेटिक्स, मोल कॉन्सेप्ट एंड थर्मो, इनका वेटेज सिमिलर था। और जो सबसे कम क्वेश्चन पूछे गए थे, कम नहीं बोल सकते हैं क्योंकि आयनिक और केमिकल इक्विलिब्रियम को आप कंबाइन कर दो तो इसको हम सिंगल बोलते हैं इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम मतलब दोनों हो जाएगा, ठीक है। तो केमिकल आयनिक कंबाइन करके भी क्वेश्चन का नंबर कितना था, 10 था। तो प्रायोरिटी वाइज में आप देखोगे तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये ज्यादा प्रायोरिटी वाले टॉपिक्स आपके लिए, ठीक है। तो ये था ए फिजिकल केमिस्ट्री का एनालिसिस। इसमें एक पॉइंट और देखोगे कि ऑलमोस्ट हर चैप्टर से आपका वेटेज सिमिलर टाइप का ही है, तो आपका जो टॉपिक स्ट्रांग है या जो चैप्टर स्ट्रांग उसको ज़्यादा फोकस कर लो, जो वीक है उसके लिए आप लास्ट में छोड़ सकते हो। तो इस तरह के एनालिसिस करके आपका जो परसेंटाइल है जेई मेन में, वो 5 से 20-30% आप ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हो केमिस्ट्री में ही। आपके बस सिंगल एनालिसिस से अगर मान लेते हैं कि जेई में आपका इस बार परसेंटाइल 80-70 के रेंज में था, तो बस इस तरीके से एनालाइज करके आप तैयारी करोगे तो आपका प्रश्न 90-95 प्लस इजीली क्रॉस कर जाएगा। तो ये लास्ट मोमेंट इस तरह को रिवाइज करना है, और मैं होप करता हूँ कि आप लोग का जेईई काफ़ी अच्छा होगा। मेरे साइड से बेस्ट ऑफ लक।